नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं प्रदीप शर्मा आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ क्लास 24 आप लोग राजस्थान में। आशा करता हूँ सब मस्त होंगे, बिंदास होंगे, मुस्कुराते हुए चेहरों के साथ में होंगे। मेरे प्यार से शहर और श्रेणियों, बिल्कुल टाइम हो चुका है आपके सुबह के 9 बजे का, तो फटाफट से जुड़ जाइएगा क्लास 24 आप लोग राजस्थान के साथ। सबसे पहले मैं आपको फिर से बताना चाहूँगा, अगर अभी तक भी आप लोगों ने CET का बैच अगर ज्वाइन नहीं किया है तो फटाफट से ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि 6 अक्टूबर से हमारी क्लासेज यहाँ पर रेगुलर स्टार्ट हो चुकी है, होने वाली नहीं है, हो चुकी है, ठीक है। तो ध्यान से सुनो, सबसे पहली इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए, पूरी टीम CET की तैयारी करने के लिए आप लोगों के साथ जुड़ी हुई है, तो ध्यान रखना मेरे प्यारे से बच्चों। सबसे पहले आपको यहां पर महाराणा बैच ज्वाइन करना है, ध्यान रखना, अगर नहीं किया तो कर लीजिएगा। इसका जो पेमेंट की अगर हम बात करें तो बिल्कुल बाय नाउ के ऑप्शन पर आपको वहां पर पे पेमेंट दिखाई देगा, तो वो आप लोग पे कर दीजिएगा, उसके बाद में क्लासों का लुफ्त उठाइएगा। सबसे पहली बात, आपको पता भी होना चाहिए कि आपके साथ में अंकुर सर है, जो कि पॉलिटी आपको यहाँ पर पढ़ा रहे हैं, करंट अफेयर्स पढ़ा रहे हैं, संजय सर आप लोगों को सभी इतिहास पढ़ा रहे हैं, हिस्ट्री ले रहे हैं, यहाँ पर कल्चर ले रहे हैं, मैडम साइंस, गणेश सर हिंदी, उमेश सर मैथ और मैं ज्योग्राफी, और संजय सर आपका मोटिवेशन करेंगे CET की क्लासों में। तो मेरे प्यारे से बच्चों, अगर अभी तक आप लोग नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइएगा क्लास 24 आप लोग राजस्थान के साथ। आज के दिन को और भी बेहतरीन बनाते हैं बेहतरीन क्वेश्चनों के साथ में, आज के दिन को और भी बेहतरीन बनाते हैं बेहतरीन क्वेश्चनों के साथ में। और सबसे पहला आज का आप लोगों के लिए क्वेश्चन है, ठीक है, बड़े मजेदार क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, कोशिश कीजिएगा इसको सोल्व करने की। पहला क्वेश्चन, गोंडवाना प्रदेश राजस्थान की किस वृहत भू आकृति विभाग का हिस्सा है? पहला ही क्वेश्चन कि गोंडवाना प्रदेश राजस्थान की किस वृहत भू आकृति विभाग का हिस्सा है? पूर्वी मैदानी का, पश्चिमी शुष्क प्रदेश का, हाड़ौती के पठार का, या गग्गर के मैदान का? पहला क्वेश्चन आप लोगों के लिए, बताइएगा आंसर क्या होगा। अब ध्यान से सुनना, यहां पर गोंडवाना प्रदेश लिखा है, कहीं आप गोंडवाना कर दो मामला गड़बड़ हो जाएगा। और गोंडवाना का संबंध किससे है? बिल्कुल पश्चिमी शुष्क मैदान से, और इसका जो संबंध है वो किससे है? लूनी बेसिन से। मुझे पता है कि आप लोगों का दिमाग गोंडवाना लैंड की चला गया, वो गोंडवाना लैंड है, ये गोंडवाना है, वो गोंडवाना है, ठीक है ना। तो ध्यान रखना यहां पर आप लोगों को गलती नहीं करना है, पश्चिमी शुष्क लोनी का बेसिन गोंडवाना प्रदेश है, गोंडवाना ना कि गोंडवाना है। इसके आसपास का जो जिला है वो है बाड़मेर। आसपास का जिला कौन सा है यहां पर? बाड़मेर। कर दिए होंगे गड़बड़ी, है ना, पक्का मुझे विश्वास है आप लोगों के लिए, कुछ भी कर सकते हो आप लोग। तो गोंडवाना का ध्यान दीजिएगा, आंसर आएगा आपका यहां पर पश्चिमी शुष्क प्रदेश। चलिए अगले क्वेश्चन पर ले चलता हूं आप लोगों को। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का कितना भाग थार के मरुस्थल के अंतर्गत आता है? राजस्थान के मरुस्थल का कितना भाग आता है भाई? राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का, सॉरी मरुस्थल का नहीं, क्षेत्रफल का, थार के मरुस्थल के अंतर्गत आता है? 41%, 61%, 52 या 56%? अब इसका आंसर आपको ना आए, पॉसिबल ही नहीं है भाई, फटाफट से बताओ आंसर क्या होगा यहां पर। आंसर क्या होगा? चलिए अब आपको अच्छे से पता है कि लगभग यहां पर बात होती है 61% की, जो थार के मरुस्थल हमारे यहां पर पाया जाता है, इसका यहां पर लगभग 61% पाया जाता है, नो डाउट, इसमें कोई संदेह नहीं है। और इसी थार के मरुस्थल को राजस्थान में अपन बोलते हैं पश्चिम का मरुस्थल। राजस्थान में से क्या बोलते हैं? पश्चिम का मरुस्थल कहते हैं। परंतु मैं आपको कहूं कि थार का जो मरुस्थल है ये भारत के कितने राज्यों में? तो ये भारत के 4 राज्यों में। ये 4 राज्य कौन कौन से हैं? सबसे पहले हमारा राजस्थान, नंबर 2 पर पंजाब, नंबर 3 पर गुजरात,
और नंबर चार पर अगर हम बात करें तो हरियाणा में भी है। तो इन चार राज्यों में पाया जाता है, जिनमें से राजस्थान की बात करें तो 61% के लगभग यहां पर इसका विस्तार पाया जाता है। अगला प्रश्न आप लोगों के लिए, राजस्थान में स्थित थार के मरुस्थल का कौन सा बालू का स्तूप का प्रकार नहीं है? पैराबोलिक, ताराबोलिक, बरखान या फिर धोराउड, कौन सा नहीं है? अगर यह प्रश्न आपके सामने हो तो आपका आंसर क्या होगा? अगर यह प्रश्न आपके सामने होगा तो आपका आंसर यहां पर क्या होगा? बताओ। तो बिल्कुल पैराबोलिक होगा, ताराबोलिक, बरखान, धोराउड। धोराउड जैसा आपने कभी सुना भी नहीं होगा, ऐसा कुछ होता है। पैराबोलिक बाल का स्तूप है, नो डाउट पैराबोलिक, महिलाओं के हेयरपिन के समान दिखाई देता है पैराबोलिक। ताराबोलिक जिसकी आकृति तारे नुमा है, इसकी आकृति, चलो यहां पर बात करते हैं इनकी आकृतियों की, इनकी आकृति कैसी है। तो ध्यान दीजिएगा, पैराबोलिक बालुका स्तूपों की जो आकृति है यह दिखाई देती है महिलाओं के हेयरपिन समान। महिलाओं के हेयरपिन की जैसी आकृति है किसकी? ताराबोलिक की, सॉरी पैराबोलिक की। बात करते हैं ताराबोलिक, तारे या स्टारनुमा आकृति किसकी है? ताराबोलिक की। बरखान अर्धचंद्राकार आकृति किसकी है? बरखान की। तो इनकी अलग अलग आकृतियां, तीनों ही बालू का स्तूप है, जो नहीं है वो धोराउड नहीं है। ओके, क्लियर। अगला क्वेश्चन, राजस्थान के किन जिलों में जुरासिक युग की चट्टानें पाई जाती है? जैसलमेर, बाड़मेर, टोंक, जयपुर, नागौर, अजमेर, उदयपुर, बांसवाड़ा। आंसर आपको 100% पता है, बताओ क्या होगा? राजस्थान के किन जिलों में जुरासिक युग की चट्टानें पाई जाती है बताइएगा? जुरासिक युग की चट्टानें, पता है आप लोग, गलती नहीं करोगे यहां से, नो डाउट, कोई दिक्कत नहीं है, बच्चों को अच्छे से ध्यान है। जैसलमेर और बाड़मेर, क्योंकि आपको अच्छे से पता है अकलवुड फॉसिल्स पार्क जहां पर बना है वहीं पर इसका संबंध जुड़ा है, और वहीं पर जुरासिक युग है ना, युग की चट्टाने, यानी कह सकते हो आपके जो डायनासोर के समय की जो चट्टाने वगैरह वहां पर पाई जाती है जैसलमेर और बाड़मेर। इसका संबंध किससे है? अकलवुड फॉसिल्स पार्क से। ठीक है, और ये कहां पर है? जैसलमेर में, यही आपके स्थित है राष्ट्रीय मरु उद्यान में। देखो अगर पूछे अभ्यारण्य में, राष्ट्रीय मरु उद्यान अभ्यारण्य में स्थित है। ओके, और दोनों में ही इसका विस्तार फैला हुआ है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन, पश्चिमी राजस्थान में रेतीले, देखो हमेशा कोई क्वेश्चन पढ़ो ना, एक एक चीज को पढ़ा करो, रेतीले मैदान कितना प्रतिशत है? किसका? बालुका स्तूप मुक्त का, मुक्त लिखा है, बालुका स्तूप युक्त नहीं लिखा उसने, मुक्त लिखा है। तो 41.5
18.6, 61.11 और 14.7, बताओ क्या होगा आंसर? बताओ आंसर क्या होगा? तो बच्चों को इनको अच्छे से पता है, मुझे पता है आप लोग गलत जवाब नहीं दोगे। 41.5, बिल्कुल 41.5, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश, जिनमें वर्षा होती है 0 से 25 सेंटीमीटर, कितने भागों में बटा है? दो में। कितने में? दो में। एक बालुका स्तूप युक्त, और दूसरा बालुका स्तूप मुक्त। बालुका स्तूप युक्त हमारे यहां पर ये बात होती है यहां पर। क्लियर? क्लियर? तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि कौन कितना है और कौन कितना है, ठीक है? तो दोनों ही चीजें आपके दिमाग में यहां पर होनी चाहिए मेरे शेर और शेरनियों। चलो अगले क्वेश्चन पर ले चलता हूं आपको। अगला क्वेश्चन आप लोगों के लिए, निम्न में से राजस्थान में कौन से क्षेत्र पर बालुका स्तूप मुक्त है? शेरगढ़, सिव, ओसिया, शेरगढ़, बायतू, चोहटन, फलोदी और पोकरण। ये लो भाई, पीछे पड़ गया ये तो मुक्त के। बताओ आंसर क्या होगा? बताओ, क्वेश्चन नंबर 6 पर आ चुके हैं अपन, आंसर क्या होगा? बेहतरीन, बेहतरीन और बेहतरीन ही होगा जब आप लोग आंसर दे रहे हो तो। फलोदी जोधपुर और पोकरण के बीच में पाया जाता है। देखो बात करें बालुका स्तूप मुक्त, मुक्त के बालुका स्तूप मुक्त की बात करते हैं तो मेरे प्यारे से शेरों ध्यान रखना, ये इसका विस्तार अभी अभी अपन ने पढ़ा था 41.50 पर, मतलब मामला कमी है यहाँ पर युक्त से, ठीक है? दूसरी बात, ये कहाँ पर पाया जाता है? तो नंबर एक, यह फलोदी या पोकरण जैसलमेर से, यह पोकरण जैसलमेर से फलोदी जोधपुर तक पाया जाता है। दूसरा, यह पाया जाता है और कहां पर? तो यह पाया जाता है 56 की पहाड़ियां, बाड़मेर और जालौर में। इसी के प्रमुख उदाहरण है कि राजस्थान में पीला पत्थर, बादामी पत्थर ये किधर से मिलते हैं? जोधपुर, जैसलमेर आदि से प्राप्त होते हैं। तो ये यहां पर आपका आंसर बिल्कुल सही है जो आपने दिया है, फलोदी पोकरण, शाबाश। अगला क्वेश्चन आप लोगों के लिए, गोडवाड़ प्रदेश को यह भी कहते हैं गग्गर का बेसिन, चंबल का बेसिन, लूणी जवाई का बेसिन या काली सिंध का बेसिन। ये क्वेश्चन मैंने आपको स्टार्टिंग में करवाया था, अगर आप लोगों ने ध्यान से पढ़ा हो इस क्वेश्चन को तो मुझे नहीं लगता आप लोग यहां पर गलत जवाब देने वाले हो। गोडवाड़ प्रदेश को भी यह भी कहते हैं, यह भी कहते हैं मतलब, यह भी कहते हैं मतलब, बताओ क्या कहते हैं? यह भी बता दो मेरे प्यार से रन्ने मुन्ने राइयों, ये भी कहते हैं मतलब, क्या कहते हैं ये भी?
गोंडवाल प्रदेश को यह भी कहते हैं, मतलब लोणी और जवाई का बेसिन कहते हैं। शाबाश मेरे शेर, मैंने कहा था वो गोंडवाल नहीं, गोंडवाड़ है। और संबंध किससे है? लोणी नदी से। लोणी नदी के बेसिन जो कि बाड़मेर क्षेत्रों में पाई है जाता है। तो बिल्कुल आपका आंसर यहाँ पर परफेक्ट है, ये पहले अपन कर चुके हैं इसको। चलिए अगला, निम्न में से कौन सा जिला राज्य के बांगड़ प्रदेश में शामिल नहीं है? राजसमंद, झुंझुनू, सीकर और चूरू। ये लो, आंसर आपको मिल ही गया है। जब आपको पता चल गया कि इनमें से एक ही अलग है, बाकी तो सब पास पास के ही हैं, तो बिल्कुल बेटा जी ये आपके सिकावाटी प्रदेश के क्षेत्र हैं। और ये आपके मेवाड़ प्रदेश में आता है, न कि बांगड़ में। क्लियर? ओके, डन। तो आपका आंसर भी यहां पर क्या होगा? राजसमंद में नहीं है, नहीं पूछा उसने, नहीं राजसमंद। अगला, 23 डिग्री 5 मिनट उत्तरी अक्षांश और 70 डिग्री पूर्वी देशांतर राजस्थान के निम्न में से किस जिलों के होकर गुजरती है? बांसवाड़ा जैसलमेर, डूंगरपुर नागौर, बांसवाड़ा डूंगरपुर, डूंगरपुर धौलपुर। काफी बार करवा चुका हूं ये क्वेश्चन मैं आप लोगों को। तो देखो 23 डिग्री मतलब 23.5 डिग्री ये गुजरती है बांसवाड़ा से, और 70 डिग्री ये जैसलमेर से। इसकी बात करें तो ये उत्तरी अक्षांश पर है, और ये है पूर्वी देशांतर पर। बिल्कुल बांसवाड़ा और जैसलमेर। अगला क्वेश्चन, राजस्थान के निम्न में से किस क्षेत्र में थार मरुभूमि स्थित है? दक्षिण पश्चिमी में, दक्षिण पूर्वी में, उत्तर पश्चिमी में, उत्तर पूर्वी में। ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो आप लोग तो बिल्कुल पेपर को उड़ा के हवा में लटका दोगे कि यार ये लो भाई संभालो। अगर ऐसे क्वेश्चन दोगे तो मुझे नहीं लगता कि इनमें से कोई स्टूडेंट है जो कि आंसर देने में कोई दिक्कत करेगा। थार मरुभूमि, अब बच्चों को अच्छे से पता है, यहां पर बीच में जो है विस्तार वो किसका है? अरावली का। यह अरावली का, और ये जो पूरा विस्तार फैला हुआ है ठीक है, ये मरुस्थलीय प्रदेश का। तो मरुभूमि स्थित है कहां पर? उत्तर पश्चिम में। ओके ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, लूणी नदी उत्तर में राजस्थान की उत्तरी पूर्वी सीमा तक आंतरिक जल प्रवाह क्षेत्र क्या कहलाता है? मेरवाड़ा प्रदेश, शेखावाटी प्रदेश, बांगड़ प्रदेश। लूणी नदी के उत्तर में स्थित ये क्या पर्वत है? लूणी नदी के उत्तर में मतलब उससे ऊपर राजस्थान की उत्तरी पूर्वी सीमा। देखो सुनो एक मिनट, क्वेश्चन समझो। ये तो राजस्थान हो गया,
और ये लूणी नदी हो गई, नाग पहाड़ी से निकलती है तो ये उत्तरी पूर्वी सीमा, आंतरिक जल प्रवाह है क्षेत्र, तो शेखावाटी कहलाता है। कौन सा कहलाता है? शेखावाटी क्षेत्र कहलाता है, बिल्कुल एरिया शेखावाटी प्रदेश कहलाता है बेटा। वो कौन सा कहलाता है? शेखावाटी प्रदेश कहलाता है। अगला क्वेश्चन, राजस्थान का सुदूर उत्तरी हिस्सा जिन किन अक्षांशों पर स्थित है? सुदूर उत्तरी हिस्सा तो ये उत्तर, ये सुदूर उत्तरी है, सुदूर यहां पर दक्षिण में, तो 23 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश। और यहां पर गांव कौन सा है आपको अच्छे से पता है? कोना गांव, कोना गांव, और जिला लगता है गंगानगर। यहां पर गांव कौन सा है? बोरकुंडा, और जिला लगता है बांसवाड़ा। ठीक है, अगला, निम्न में से कौन सा क्षेत्र राजस्थान के भौतिक प्रदेश राजस्थान के बागर या अर्ध शुष्क का उपविभाग नहीं है? गोड़वार क्षेत्र, नागौरी उच्च भूमि, गग्गर का मैदान या बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश? बताओ आंसर क्या आएगा। कौन सा क्षेत्र राजस्थान के भौतिक प्रदेश में राजस्थान के बागर या अर्ध शुष्क का उपविभाग नहीं है? बहुत प्यारा क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन एग्जामों में काफी बार देखे जाते हैं। बताओ आंसर क्या होगा, बताओ मेरे लालो आंसर क्या होगा। बहुत गजबा क्वेश्चन है, क्या बताएं आपको, बताओ क्या होगा आंसर। अब आप लोगों के दिमाग में लग रहा होगा, देखो इसने पहले अर्ध शुष्क लिखा है, यहां से डालो फोकस। गोड़वार प्रदेश का संबंध है लूणी बेसिन से, मैं आपको समझा जा रहा हूं ना, लूणी बेसिन से। नागौरी उच्च भूमि अर्ध शुष्क चार भागों में बांटा, जिसमें एक नाम बेचारे इसका भी आता है, ठीक है, और गग्गर के बेसिन का नाम 100% इसका भी आता है। एक यहां पर बच गया, कौन सा? कांतली का अपवाह क्षेत्र भी यहां पर आता है, कौन सा नहीं आता? तो बालुका स्तूप मुक्त प्रदेश इसमें नहीं आता, ये नहीं आता। बाकी ये तो तीनों ही लूणी के, ये आपके अर्ध शुष्क जो मरुस्थल है उसके उपभाग है, चार उपभाग होते हैं। इसने शेखावाटी नहीं लिखा, नहीं तो वो भी इसी में आता, शेखावाटी भी इसी में आता, इसी शेखावाटी प्रदेश कांतली बेसिन। इसलिए तो प्रश्न पूछता हूं मैं कभी कभी आप लोगों से कि बताओ राजस्थान के पश्चिम या अरावली के पश्चिम में कुल कितने बेसिन है। तो जैसे आप लोगों से मैंने प्रश्न पूछ लिया कि अरावली के पश्चिम में कुल कितने बेसिन है, अब ऑब्वियसली आपको पता होना चाहिए बेसिन कितने है। कितने बेसिन है? तीन बेसिन है, एक तो लूणी का बेसिन, शेखावाटी का बेसिन और गग्गर का बेसिन। तो तीन तो बेसिन हमारे यहां पर पाए जाते हैं मुख्य रूप से, कहां पर? अरावली के पश्चिम में। तो ध्यान रखना अर्ध शुष्क के सारे भाग है केवल इसको छोड़कर। ओके,
डन। अगला मजेदार क्वेश्चन है, पश्चिमी बालुका स्तूप मुक्त, देख लो सुन लो पहले, मुक्त कह रहा है, मरुस्थलीय क्षेत्र जैसलमेर बाड़मेर की चट्टानों का बाग है, में किस काल की अवसादी चट्टानों की बहुमूल्य है, पाषाण, टर्सरी, प्लेस्टोसीन युग, मध्य पाषाण या नव पाषाण युग, यहाँ पर बताओ। इन चारों में से अगर हम बात करते हैं तो फिर इनमें से किसकी बात क्लियर होती है बताना है। बताओ भाई बताओ, तो यहाँ पर पाषाण युग की तरफ तो दौड़ो ही मत, टर्सरी व प्लेस्टोसीन युग यहाँ पर आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, राजस्थान का वह जिला कौन सा है जिसकी सीमा अंतर्राष्ट्रीय व अंतर्राज्य दोनों है, बाड़मेर गंगानगर एक दो दोनों और बीकानेर, बताओ। ऐसा प्रश्न पूछ ले जहाँ पर बात एक की नहीं दो दो की जाए तो जवाब क्या होगा, जहां पर बात एक की नहीं दो दो की जाए जवाब क्या होगा, फटाफट से बताइएगा। कह रहा है अंतर्राष्ट्रीय अंतर्राज्य दोनों, ऐसे कह रहा है कि सर कैसे कह रहा है कि बेटा ऐसे कह रहा है कि यहां तो गंगानगर है, ये पंजाब से लगा रहा है, इसको अंदर डालना चाहिए था, अपन ने बाहर से बता दिया यहां गंगानगर है, यहाँ पंजाब है और इधर पाकिस्तान है, यहाँ पर बाड़मेर है, इधर गुजरात है, तो ये दोनों ही होंगे। और बीकानेर और जैसलमेर केवल अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं, वो अंतर्राज्यीय सीमा नहीं बनाते, ये भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन, राजस्थान के रेगिस्तानी क्षेत्र पाग ऐतिहासिक काल के किस भाग का अवशेष है, गोंडवाना, अंगारा, तैतीस सागर, न्यूफाउंडलैंड के, अब आप अपना आंसर दे सकते हो, काफी देर से आप सोच रहे होंगे यहां पर, ठीक है, अब आपका आंसर यहां पर सेट होगा, राजस्थान के रेगिस्तानी क्षेत्र पाग ऐतिहासिक काल के किस भाग का अवशेष है, गोंडवाना लैंड, अंगारा लैंड, तैतीस सागर, बताओ। अब तो इनको आंसर मिल गया, रेगिस्तान, अरे ये गुरुजी तैतीस सागर, क्योंकि इनको पता है मरुस्थल और मैदान तो इसके भाग है, इसका तो कोई है ही नहीं बेचारे का राजस्थान में, इसका है अरावली मतलब पर्वत और हाड़ोती मतलब पठार, इसका वाले इसका तो राजस्थान में कोई नहीं भैया, तेरा यहां कोई नहीं और तेरा भी यहां कोई नहीं, ठीक है, तैतीस सागर आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, राजस्थान का सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से भौतिक विभाग कौन सा है, मध्यवर्ती अरावली प्रदेश, उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, पूर्वी मैदानी प्रदेश या दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश, बताओ। अगर आप यहां पर लिख दो ना तो थोड़ा और अच्छा लगे कि हाँ यार स्टूडेंट ने लिखा है, सभी के लिख दो कितने प्रतिशत पर फेले हुए, ठीक है, कमेंट्स में सभी पर लिख दो कि कितने पर फेले हुए हैं। आज मैं आप लोगों के नाम नहीं ले रहा ना, अजीब सा लग रहा हूँ गुरु जी, आज नाम नहीं ले रहे हमारे बिल्कुल भी, नहीं लूंगा मैं आपके नाम आज, केवल पढ़ाऊंगा आज आपको, इतने दिन खूब बातें कर ली आप लोगों से, ठीक है, क्या कर रहे हो, कैसे हो, प्रेजेंट लगाओ और वो लगाओ, मुस्कुराते हुए चेहरे दिखाओ, आज पढ़ाऊंगा केवल। तो मध्यवर्तीय अरावली पर्वतीय प्रदेश का विस्तार 9% पर है, 61.11% पर है, लो आगे पहुँचने की जरूरत नहीं है, 23% पर है और 6.89% पर है, तो सर्वाधिक ऑब्वियसली आपको दिख ही गया होगा यहां पर आंसर क्या होने वाला है। अगला
जनसंख्या भी ध्यान रख सकते हो आप इसमें, जनसंख्या जो रहती है ये तो क्षेत्रफल हो गया, जनसंख्या यहां पर 10%, यहां पर 40%, यहां पर 39%, यहां पर 11%। राजस्थान के उत्तर शुष्क पश्चिमी मैदानी प्रदेश मुख्य नदी कौन सी है? जवाई, लूणी, पश्चिम बनास या सुकड़ी? उत्तर शुष्क पश्चिमी मैदान की प्रमुख नदी कौन सी है? ऐसा क्वेश्चन मुझे नहीं पूछना चाहिए था, मुझे पता आप लोगों को अगर ऐसा क्वेश्चन पूछूंगा तो बुरा लग जाएगा, सर ऐसी कोई बात नहीं है, लग सकता है क्योंकि सर ये भी क्या क्वेश्चन पूछ रहे हो, लूणी, मारवाड़ की गंगा। नेक्स्ट, अकलवुड फॉल्सेस पार्क किस प्राकृतिक भूभाग में स्थित है? करवाया था मैंने अभी अभी थोड़ी देर पहले ही, 20 क्वेश्चन पूरे करवाएंगे आज के, फिर नेक्स्ट अगले दिन अगले और भी। सीईटी की तैयारी कर लो बेटा, लग जाओ धार पर, मैं फिर से कह रहा हूं। आपको पता अकलवुड फॉल्सेस पार्क जैसलमेर में है, तो दिमाग लगाने की आवश्यकता ही नहीं अपने को, सीधा उत्तर पश्चिम में पहुंचना है। अगला, पाकिस्तान के कितने जिले राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं? बहुत प्यारा क्वेश्चन है, 9 जिले बनाते हैं बेटा, कितने जिले बनाते हैं? 9 जिले, कौन कौन से हैं बताता हूं मैं आपको, 52 नगर, 52पुर, रहीम यार खान, सकूर, संगर, घोटकी, खेरपुर, अमरकोट और थार पारकर। आपको जानकर बड़ी हैरानी होगी कि ये 3 तो पंजाब के हैं, बाकी ये 6 सिंध के हैं, 2 यहां पर प्रांत सीमा लगाते हैं, जैसे जिले पूछे प्रांत पूछता तो 2 प्रांत सीमा बनाते हैं, ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। पूरी अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो हमारे साथ लगती है वो लगती है कितने परसेंट की? 18% हमारे साथ लगती है, किसकी? राजस्थान की कुल सीमा का। तो इस प्रकार से आज की क्लास में हमने बात की 20 क्वेश्चनों तक अपने भौतिक प्रदेश से लेकर स्थिति विस्तार के कुछ क्वेश्चनों से लेकर। नेक्स्ट क्लास में कल फिर इसी उमंग और जोश के साथ फिर से तैयारी करवाऊंगा आपको अगले क्वेश्चनों की, आराम से तसल्ली से, ठीक है। अब मैं लेता हूं लोगों से विदा, जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान। लाइक और शेयर तो करोगे नहीं ना, आज मैंने बोला नहीं तो, अब तो कर दो जाने से पहले।